नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने व्हीकल गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आपने दिखाएंगे न्यू हॉलैंड 3037 ट्रैक्टर। इसकी फ़िलहाल में जो क्या कुछ इसमें चेंज दिए हैं कंपनी ने, चेंजेस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपके साथ में शेयर करेंगे क्या कुछ इस ट्रैक्टर के अंदर है, कौन सा इंजन है और कितने उस पावर का ये ट्रैक्टर है। सबसे पहले अगर टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपने 650 के और 6 के दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे फ्रंट टायर में। ये देखो आप, इसमें 650 के हैं जो कि अभी फ़िलहाल में कंपनी ने चेंज किया है इसमें, और इसमें भी आपने 650 के ही मिल जाएंगे। बाकी 6 का ऑप्शन भी है टायर ले सकते हैं आप। पीछे अगर बात करोगे आप 13628 के इसे टायर पीछे वाले MR कंपनी के हैं, 13628 के टायर यहाँ पे दिखा हुआ है, 13628 दोनों में 13628 के टायर हैं। टायरों में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज होगा वो मैं आपने बताऊंगा वीडियो में, आप कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। तो अगर ट्रैक्टर की बात करें इसके इंजन की, तो दोनों में वही इंजन है, 2500 cc का इंजन है और 2500 इनके रेटेड RPM है इंजन के, 2500 ही रेटेड RPM दोनों ट्रैक्टरों के और 2500 cc का इंजन है। 3 सिलेंडर के साथ में है, बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में ये ट्रैक्टर है। अगला अगर बात करें इसमें बैकअप, इसका जो टॉर्क है वो करीब करीब 150 यानी कि 150 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका है। तो इंजन की मेनली ये बातें थी। और अगर एयर क्लीनर की बात करें तो इसमें ऑयल टाइप जो है एयर क्लीनर है और काफ़ी बड़ा रेडिएटर, जो कि इसका इंजन है 3900 पावर का इंजन है, जो कि पावर स्टेयरिंग मैनुअल स्टेयरिंग आप दोनों ऑप्शन में ले सकते हैं, पावर स्टेयरिंग में भी और मैनुअल में मिल जाएंगे आपने। फिलहाल में दोनों ट्रैक्टर ये पावर स्टेयरिंग के हैं, लेकिन इनमें जो है आपने मैनुअल स्टेयरिंग में भी आपने मिल जाएगा। फ्रंट में बम्पर है जो कि वेट का काम भी करता है और सेफ्टी का काम भी करता है। फ्रंट एक्सल की अगर बात करें इसमें, तो फ्रंट एक्सल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों ट्रैक्टरों में सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं किया। अगले बात करें दोनों ट्रैक्टरों में, तो जो पायदान है उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है, आप मान के चलो कोई चेंज नहीं पायदान में। देखो दोनों ट्रैक्टरों में आपने सेम देखने को मिलेगा, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है। फिर बात करें इसमें गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स इसमें 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स का गियर बॉक्स मिलता है आपने, जो कि साइड शिफ्ट के साथ में है। और इस ट्रैक्टर में आपने फुल्ली कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया इस HP कैटेगरी में आपने बहुत कम देखने को मिलता है। जो गियर बॉक्स है इसमें एक चेंज है, वो क्या मैं आपको बताऊँगा। तो जो पहले मॉडल था उसमें आप ये देखोगे जो लीवर है उसकी जो हाइट थी ना सीट से नीचे थी, जिससे जो गियर ड्राइव करते टाइम पर ट्रांसमिशन जो हम गियर चेंज करते उस समय किसान भाई को काफ़ी जो है दिक्कतें आती थी, तो इसको देखते हुए कंपनी ने चेंज किया इसमें, इस मॉडल में इसने जो है इसकी हाइट लीवर्स की ऊपर बढ़ा दी, ताकि कोई समस्या ना हो किसान भाई ने, आराम से गियर लग जाए। और पहले के मुकाबले आप देखोगे ना तो जो PTO लीवर था ये काफ़ी नीचे यहाँ पर, पहले ये तो सेम है उसकी हाइट यहाँ पर थी, तो ये देखो आप इसमें थोड़ी दिक्कत, क्योंकि ये साथ में गियर लगता है, तो इस वजह से इस मॉडल में थोड़ा लीवर की हाइट बढ़ा दी ताकि आसानी से गियर ट्रांसमिशन हो सके। बाकी चौड़ी सीट डीलक्स सीट में कोई चेंज नहीं है, वही सीट बड़ी चौड़ी सीट आगे पीछे ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये PTO के लिए लीवर है और ये अपने PTO के लिए क्लच हो गई। PTO के बारे में बात करेंगे आपसे, प्लेटफॉर्म अगर देखोगे ना आप फुली जो है स्पेस के साथ में इसका प्लेटफॉर्म है, कोई स्पेस में कोई कमी नहीं ट्रैक्टर में। ये यहाँ पर ERGP ड्राइव का जो ऑप्शन है स्टिकर के साथ में 3037 TX+, तो स्टिकर वगैरह में शो में कोई चेंज नहीं किया कंपनी ने, दोनों ट्रैक्टरों को दिखाऊँ मैं आपने। अगर पीछे बात करेंगे इसकी PTO की, तो PTO इसमें 36 ओस पावर के PTO है, 39 पावर का ट्रैक्टर और 36 ओस पावर की PTO, तो मान के चलो आप इंजन के हिसाब से काफ़ी ताकतवर जो PTO पावर दी गई है। और इसमें PTO में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं,
वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपने अगर बैक एक्सल की बात करोगे ना आप, तो इसमें प्लेनेटरी ड्राइव बैक एक्सल है, ये देखो आपने स्टिकर मिल जाएगा, और कॉन्स्टेंट मैस, फुली कॉन्स्टेंट मैस AFD गियर बॉक्स है, और ये अपनी सॉफ्ट क्लच के लिए हो गया स्टिकर। और एक चेंज है इसमें मरगार्ड का, दोनों साइड में आप देखोगे ना, जो पहले मॉडल था उसमें हेरिटेज टाइप का जो है इसमें जो स्टाइलिंग मुडगार्ड था, अब की बारिश में जो चेंज कर दिया गया, ये देखो पूरा ऊंचा मुडगार्ड, ये देखो स्पेस आप देखोगे ना, देखो कितना फ़र्क है, ये देखो आप मुडगार्ड में कितना फ़र्क, स्पेस का काफ़ी फ़र्क है, ताकि कीचड़ वगैरह में कहीं भी मिट्टी में अगर चलेगा ट्रैक्टर तो कोई भी समस्या किसान भाई ना नहीं आओगी। तो इसके लिए ये काफ़ी जो अच्छा काम किया कंपनी ने, ये देखो पूरा स्पेस है। इस मुडगार्ड में स्पेस साइड में था, लेकिन ऊपर की साइड में कम स्पेस दिखाई देता था। तो जो भी कंपनी इसकी में जिस हिसाब से कंपनी चेंज किया, तो काफ़ी अच्छी बात है ये चेंज करना। बाकी और कोई गियर बॉक्स में और कुछ चेंज है नहीं। अगर आते हैं पीछे, तो आपको पहले ही बताया मैंने, प्लेनेटरी ड्राइव इसमें बैक एक्सल है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 3900 हॉर्स पावर में इतने फीचर किसी भी ट्रैक्टर में बहुत कम देखने को मिलेंगे आपने। और अगर बात करें इसकी PTO की, तो PTO में आपने 7 स्पीड 7 टाइप की, 7 तरह की जो है एप्ट्रा PTO आप मान सकते हैं। एप्ट्रा PTO इसमें स्टिकर लगा के कंपनी देती है, ये देखो आप ये लगाया हुआ, तो जो कि कंपनी लगाया है तो कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट रहेगा ही, क्योंकि इसमें 7 तरह की PTO है। आप ये देखो इसमें आपने गियर वाली PTO मिल जाएगी, और यहाँ 540 इकोनॉमी 540 स्टैंडर्ड होगी। तो इसमें 7 तरह की एप्ट्रा PTO है, जो कि इस ट्रैक्टर को इस श्रेणी में काफ़ी श्रेष्ठ जो है पद पर ले जाती है। भी इस श्रेणी में इतने ज़्यादा फीचर ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं। अगर इसकी बात करें लिफ्ट कैपेसिटी की, तो इसमें लिफ्ट कैपेसिटी 1500 kg इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है, जो कि जिसके दो पॉइंट दिए गए हैं अलग अलग पॉइंट। ये देखो यहाँ पर सिंगल पॉइंट है फिलहाल में, बाकी पहले मॉडल में सॉरी सिंगल ही था, मैंने अपने मल्टी पॉइंट बोले आपको, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट है जिस पर आपको 1500 kg लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इचिंग के लिए अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया लगा। 6 ईयर वारंटी जो कि न्यू लैंड हर ट्रैक्टर पर अभी फ़िलहाल में दे रही है। तो कुल मिलाकर ट्रैक्टर जो काफ़ी बढ़िया लगा, और इस श्रेणी में आपने देखोगे ना 39 HP में इतने फीचर आपने बहुत कम देखने को मिलेंगे ट्रैक्टरों में। तो आप 39 HP अगर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आपके लिए न्यू लैंड 3037 भी है, जो कि आप जिस पर विश्वास कर सकते हैं और अपने खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई।